आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, सच में आप महान अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर है मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू इस धरती पर प्रभु हमारे पापों के लिए आया प्रभु, और प्रभु जी सच में तूने हमारे लिए प्रभु अपने आप को क्रूस पर दे दिया मेरे यीशु। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को क्षमा किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद तूने हमें अपना बेटा और बेटी कहा प्रभु। धन्यवाद अपनी संतान होने के लिए, स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए यीशु धन्यवाद। सच में तू सर्वोत्तम है, सर्वशक्तिमान है, अनुग्रहकारी है, और सच में प्रेमी परमेश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और तेरी ही प्रशंसा हमारे जीवनों से होने पाए प्रभु। सच में आज सुबह के समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु, जितने भी लोग प्रभु आज की सुबह में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं मेरे प्रभु जी कि पिता आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। आज की सुबह परमेश्वर आप उनसे बातचीत करें परमेश्वर पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें दे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जी हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, जिन्होंने रात भर योजनाएं बनाई प्रभु कि कल के दिन में हमें ये करना है। होने दे प्रभु जी उन योजनाओं को प्रभु, आप उनके लिए सफल करें, उनके मनोरथों को आप पूरा करें परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे। सच में मेरे परमेश्वर आपके लिए, आपने उनके लिए प्रभु इन सारी बातों को पूरा किया पिता। हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो पिता परमेश्वर आज की सुबह में परमेश्वर पिता अपने आप को प्रभु कमजोर महसूस कर रहे हैं प्रभु, अपने आप को पिता परमेश्वर बिल्कुल प्रभु बिल्कुल अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं परमेश्वर पिता। हम उनके लिए तुझसे मांगते हैं प्रभु कि आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु। उनका पूरा दिन प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु कि पूरे दिन भर में परमेश्वर आप उन्हें अच्छी सेहत दें, उन्हें संभाले प्रभु, और हर एक बीमारियों से आप बचाएं मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर बातों के लिए मेरे पिता, कि सच में आप प्रभु हमें हर एक खतरे मुसीबतों से बचाने वाले परमेश्वर हैं पिता। सच में प्रभु आज के इस दिन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, कि प्रभु जो भी अपने मार्ग में अपने घर से कहीं किसी काम के लिए जाते हैं प्रभु, तो आप प्रभु उनके आने जाने में उनकी रक्षा करिए पिता परमेश्वर। आप प्रभु उन्हें हर एक दुर्घटना से बचाए परमेश्वर, हर एक परेशानी से बचाए प्रभु, हर एक शैतान की युक्तियों से प्रभु उन्हें बचाए प्रभु। आप उनके सहायक हो जाइए प्रभु, क्योंकि उन्होंने अपने लिए जो मार्ग ढूंढा है परमेश्वर, उसमें परमेश्वर वो प्रभु अपनी सफलता को पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन में प्रभु, जितने भी लोग प्रभु अपनी जॉब के लिए प्रभु इंटरव्यू देने जा रहे हैं परमेश्वर, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि आप उनके लिए प्रभु उन कामों को सफल करें पिता परमेश्वर, उनके रास्तों को प्रभु जी आप सफल करें परमेश्वर पिता। आप प्रभु जी आज के दिन में परमेश्वर उन्हें बड़ी आशीषों को दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सच में मेरे प्रभु आप महान हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बहनों के लिए परमेश्वर पिता, जो अपनी शादी के लिए परेशान है परमेश्वर, और प्रभु आज के दिन में प्रभु उनके रिश्ते आने हैं परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु जी, आप प्रभु उनके रिश्तों को बनाए मेरे परमेश्वर। आप प्रभु आज के दिन में प्रभु उनके लाइफ पार्टनर को उनके जीवन में दे प्रभु, ताकि परमेश्वर उनका इंतजार खत्म होकर आप परमेश्वर उन्हें एक अच्छी आशीषों से तृप्त करें परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु, जो बीती रात में परमेश्वर बहुत परेशान रहे हैं प्रभु, और टेंशन से उन्हें नींद भी नहीं आई है प्रभु, और बहुत ही थका हुआ वो महसूस कर रहे हैं परमेश्वर। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप दोबारा से प्रभु उन्हें आज के दिन के लिए नया बल दे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने कामों के लिए परमेश्वर एक नया बल प्राप्त कर परमेश्वर उसे पूरा कर सके मेरे पिता। आप उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन में परमेश्वर हर एक के कामों को आप बनाए, हर एक बीमारी से आप
उन्हें बचाएं, हर एक दुख तकलीफ से उन्हें बचाएं प्रभु जी। सच में मेरे पिता परमेश्वर जिनके जीवनों में दुष्ट के कार्य हैं प्रभु, पिता आप उनके जीवन से उस शैतान के कार्यों को दूर करें मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर बीती रात प्रभु जी जिन घरों में प्रभु बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु जी, आप प्रभु उन लड़ाई झगड़ों से प्रभु जी उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर पिता। होने दे उन परिवार में प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर आप उन्हें आशीष दें प्रभु जी, और उनके टूटे हुए मनों को जोड़े परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि प्रभु आज का पूरा दिन हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं, कि प्रभु हर एक कार्य प्रभु जो ये करने जा रहे हैं पिता, मैं आपसे दुआ करती हूँ कि वो आपके सामर्थ्य नाम से प्रभु जी सफल होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु उन लोगों के लिए भी हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जो प्रभु बहन प्रभु अपने गर्भ के लिए परेशान है प्रभु जी, और प्रभु बच्चों की आशीष के लिए परेशान है पिता, आप उन्हें आज की सुबह में परमेश्वर एक गर्भ की आशीषें दे मेरे पिता परमेश्वर, एक नई गुड न्यूज़ को उनके जीवन में दे मेरे पिता। प्रभु जिनके शरीर में दर्द है प्रभु जी और वो अपने शरीर में दर्द महसूस कर रहे हैं मेरे प्रभु, पिता अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए प्रभु और उन्हें चंगा करे मेरे यीशु राजा, उस दर्द से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक उस बीमारी के लिए, कैंसर की बीमारी के लिए प्रभु, हर प्रकार जिस किसी भी प्रकार का कैंसर है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो कैंसर उनके जीवनों को छोड़कर चला जाए पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी, वो आपके सामर्थ्य नाम में परमेश्वर होकर अपनी चंगाई को पा सके परमेश्वर पिता। आप प्रभु उनके जीवनों में चंगाई को दीजिए परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से उनके जीवन से चली जाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो डिप्रेस रहते हैं प्रभु, हर दिन में प्रभु वो डिप्रेशन से भरे रहते हैं प्रभु, पिता आप उनके डिप्रेशन को दूर कर पिता आज की सुबह में परमेश्वर उन्हें एक प्रभु जी नई आशा दे मेरे पिता परमेश्वर, अपने आनंद से भरे परमेश्वर पिता। मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, कि आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है मेरे प्रभु जी। आप प्रभु उस डिप्रेशन से निकाल कर प्रभु जी आप उन्हें फिर से प्रभु रिग्रो करें मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें फिर से बढ़ाएं प्रभु जी, फिर से उन्हें नया बल दें मेरे परमेश्वर। प्यारे खुदावन सच में मेरे प्रभु आज की सुबह प्रभु हम आपके सामर्थ्य नाम से शुरू करते हैं प्रभु, हम विशेषकर इस बात के लिए धन्यवादी हैं प्रभु कि न जाने कितने लोगों ने आज के दिन को नहीं देखा प्रभु, पर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज के दिन को हमारी आंखों ने देखा प्रभु, और पिता परमेश्वर हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है प्रभु, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु आज के दिन में आपकी आशीषों को, आपकी शांति को, आपकी भलाइयों को प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु, इन लोगों के जीवन के लिए प्रभु, कि आप अपनी शांति अपनी भलाई प्रभु इनके जीवनों में दें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जो कोई प्रभु जी अपने लिए बहुत सारी बातों में कन्फ्यूज़ है प्रभु, तो पिता होने दे प्रभु जब वो ढूंढे तो प्रभु जी वो प्रभु परमेश्वर एक सही मार्ग को पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सब बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।